सुबह हो गई है और सामने मेरा काम स्टार्ट हो गया है और कुछ दिन में तो दिवाली भी स्टार्ट हो जाएगा। और मेरे को आज लगाना है झालर, मतलब मेरे को नहीं लगाना है, उनको लगाना है। तो मैं अभी ना उनको झालर निकाल के दूंगी, लेकिन उससे पहले तो मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। माधव गया है स्कूल और माधव ना आज रो रहा था स्कूल जाते वक्त। पता नहीं ऐसा क्यों रो रहा है, मुझे मतलब अजीब सा लगता है जब उसको मैं छोड़ती हूँ ना, जब वो रोता है तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। लेकिन कोई ना, वो धीरे धीरे सीख जाएगा स्कूल जाना। अब होता है ऐसा, मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, मुझे खुद दुख लगता है जब मैं माधव को छोड़ के आती हूँ। लेकिन यार ये जो माया ममता है ना, इसको ना मुझे त्याग देना है और उसको आगे बढ़ाना है। तो अभी कुछ बर्तन हैं, इनको भी मैं धो देती हूँ फटाफट से। अगर माधव आ गया तो फिर उसके साथ थोड़ा बहुत मैं टाइम स्पेंड कर लूँगी। और अभी जो है ना, लंच भी बनाना है क्योंकि जल्दी जल्दी बनाऊँगी। आज वैसे थर्सडे है और थर्सडे वाले दिन ना बहुत काम होता है। ये केला जो है ना, ये ख़राब हो गया है, ये मैंने फेंक दिया था। लेकिन नहीं, इनको तो वीडियो में दिखाना है, तो कोई ना। तो अभी जो है ना, मैं देख रही थी कि क्या क्या सब्जी है। तो आज मैं ना ये वाला जो खट्टा वाला फल है, इसको मैं बनाऊंगी। ये बहुत मज़े का होता है, ये तो मैंने बहुत पहले खाया था और मैंने आज देखा तो फिर सोचा चलो यार लेके ही चलते हैं इसको भी। तो बहुत टाइम से हम लोगों ने ये वाला जो सब्जी है खाया नहीं था, खट्टा वाला। बहुत टेस्टी होता है खाने में, इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड कर दो तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसका जो रेसिपी है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अब मैंने अपना जो ये काउंटर है, इसको काफ़ी अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है। अब मैं इसमें आराम से अपना लंच जो है वो बना सकती हूँ। मैंने सारे बर्तनों को भी धो दिए हैं मंदिर का, और बस ये बचा है टेबल। टेबल को भी मैं क्लीन कर दे रही हूँ। और माधव अभी नहीं है, तो उस बीच मैंने काफ़ी सारे काम कर लिए हैं। इस शू रैक को भी मैंने साफ़ कर दिया है। ऊपर ही थोड़ा बहुत कपड़ा मरना पड़ता है, ऊपर धूल जम जाता है। और अब लेके बैठ गई हूँ पूजा वाला बर्तन, क्योंकि अभी मुझे सारे बर्तनों को वॉश करना है। अगर इनको नहीं किया ना तो फिर लेट हो जाएगा, तो फटाफट से। और आज ना लाइट भी नहीं है, सारा दिन लाइट नहीं आने वाला है आज। कम से कम रात के 7-8 बजे ही आएगा लाइट। तो पानी तो एकदम बहुत कम यूज़ करना है मुझे। वैसे तो टैंक भरा है, लेकिन कोई ना, चलता है। तो हाँ, वैसे मेरे पास नल भी है, पानी पीने वाला। पानी अगर ख़त्म हो जाए तो नल से मैं चाप के ले सकती हूँ। और अभी जो है ना, फटाफट से मैं इन बर्तनों को धोऊंगी। फिर मेरे को कुछ कपड़े हैं, उनको भी धोना है। सोचा था मैं आज अपने कपड़े भी धोऊंगी, लेकिन लाइट नहीं है, मशीन चलेगी नहीं, इस वजह से मैं अपने कपड़े तो नहीं धोऊंगी। लेकिन प्रियतम के कुछ कपड़े हैं, मतलब थोड़े बहुत कपड़े होते हैं उसके जो मुझे धोने पड़ते हैं। अगर मैं नहीं धोऊंगी ना तो इकट्ठे हो जाएंगे, फिर मेरे को ही दिक्कत हो जाता है, उसको ही दिक्कत हो जाता है। फिर उसको जो कलर पहनना होता है, फिर वो गंदे होते हैं, फिर वो पहन नहीं पाता है। फिर मैं सोचती रहती हूँ, इस वजह से ना मैं उसके कपड़े जितने भी मतलब हो जाते हैं ढेर सारे, मैं तुरंत धो देती हूँ। मतलब 2-3 जब होता है तब मैं धो देती हूँ, तब तक वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर के पहन लेता है। अब मैं प्रियतम को पहनाने वाली हूँ ब्लैक कलर, तो मुझे उसको ना एक ब्लैक कलर का भी ड्रेस खरीद के देना है जो ब्लैक पहने। तो आप सबको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना ज़रूर।